नाउ क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 10 सी चैप्टर नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22. गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा. बीटा मीन्स क्या कहा गया है आपसे कि इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा हैं, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा डॉट बीटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना. उसके बाद आपसे कहा है फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, मीन्स हमको एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिनके रूट्स ये पूरा, ये फर्स्ट रूट हो गया, ये सेकेंड रूट हो गया. तो जब हम सेकेंड इक्वेशन का रूट फाइंड सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी हमको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की रिक्वायरमेंट होगी. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये हो गया आपका इक्वेशन, और इसके बारे में हमको क्या मालूम है कि इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा है. तो अगर हम यहाँ से सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें तो वो कितना हो जाएगा, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए बनती है ना. सो अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस, एंड बी की वैल्यू भी है माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, ठीक है. ये हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू. अब हमको क्या निकालना है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालनी, यानी कि यहीं पे हम निकाल सकते हैं अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2. यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू मालूम हो गई. अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा. हमको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिनके रूट्स ये हो, ये आपका फर्स्ट रूट हो गया, ये आपका सेकंड रूट हो गया. तो उस इक्वेशन को बनाने में भी हमको क्या चाहिए, हमें इस तरीके से चाहिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो अगर हमको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करनी है तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, इसको अभी सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे और ला के फिर इसमें रख दिया जाएगा. तो जब हम सम ऑफ रूट निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, इस दोनों रूट को ऐड करना होगा. सम ऑफ रूट आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट रूट प्लस सेकेंड रूट, यही ना, ये सम ऑफ रूट की वैल्यू हो जाएगी. तो अब इसको अगर आप उस ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिए जिस ऑर्डर में आपको ऊपर एक रिजल्ट मिला है अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा का, देखिए ये वैल्यू आपको मिली है ना अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की. तो इस पूरे इक्वेशन को भी हम इस पूरे एक्सप्रेशन को हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसकी वैल्यू मालूम हो जाए. कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो गए, और इसमें जब एलसीएम ले लिया जाएगा तो ये भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे देखते हैं, ये हो गए अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा बीटा एज ए एलसीएम, सो ये होगा आपका बीटा प्लस अल्फा, या इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं. अब इसमें हमको क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है 3 अपॉन 2 एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है 2. आइए ये भी वैल्यू पुट कर दें, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 प्लस हियर ऑल्सो 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा ना, यानी कि ये आपका हो गया 3 अपॉन 2 प्लस 3/4. इसको एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 9/4 एज ए आंसर. तो ये हो गया सम ऑफ रूट की वैल्यू, फर्स्ट रूट प्लस सेकेंड रूट, ठीक है ना. ये आपका फर्स्ट रूट हो गया और ये आपका सेकेंड रूट हो गया. एक काम हो गया अब हमारा, सेकेंड क्या करना है, हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है. जब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो उसमें क्या करना होगा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, ऐसे ही होगा. ये फिर से इस ब्रैकेट को ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा
प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा, ये बनेगा। देखिए अल्फा बीटा, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, वन अपॉन अल्फा बीटा। तो अब इस स्टेप को हम फिर से सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा, एकदम अलग कर लिया फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप, इसमें एलसीएम लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अभी इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन बहुत से क्वेश्चन में हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है, वो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अब इसमें ला के सबकी वैल्यू रख दी जाए और सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा आपको, अल्फा बीटा मीन्स टू, वन अपॉन टू, थ्री बाई टू होल स्क्वायर माइनस टू डॉट टू अपॉन टू, सबकी वैल्यू पुट कर दी, अल्फा बीटा की वैल्यू टू है तो जहाँ जहाँ पे अल्फा बीटा आ रहा है सब जगह टू रख दी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री बाई टू मिली थी वो तो एकदम शुरू में मिला था हम लोगों को। अब इसको सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा, फाइव अपॉन टू, यहाँ तो खत्म हो गया एक ही स्टेप बचा, ये हो जाएगा आपका नाइन अपॉन फोर माइनस, नाइन अपॉन फोर माइनस फोर अपॉन टू, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाएगा आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ये फाइव अपॉन टू, ये हो जाएगा फोर सिक्सटीन माइनस सेवन अपॉन एट। आप एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, कुछ रिजल्ट आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एट एज ए एलसीएम, सो ट्वेंटी माइनस सेवन यानी कि थर्टीन, ये हो गया आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू मिल गई। अब हमको सम ऑफ रूट की वैल्यू भी मालूम हो गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी मालूम हो गई। इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया, थर्टीन अपॉन एट, एंड सम ऑफ रूट क्या मिला था हम लोगों को, ये नाइन अपॉन फोर। आइए इसकी वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पे हो गया नाइन अपॉन फोर, अगर हम सबको एट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका इक्वेशन हो जाएगा एट एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो एज आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाइए, सारे क्वेश्चन लग सकते हैं, इजी क्वेश्चन इस टॉपिक के, और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं।